नमस्कार दोस्तों, वी कैन इंस्पायर की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो पोयम कैसे पढ़ा जाए, कविता कैसी पढ़ी जाए, इसके संबंध में है। और यह उनके लिए है जो स्कूल में बच्चे हैं, जो कविता पढ़ते हैं असेंबली में या क्लासरूम में या एलोक्यूशन कंपटीशन में जाते हैं उनके लिए है, या कॉलेज में जो हैं वे भी कविता लिखते हैं और अपनी कविता पढ़ते हैं, या जो बड़े होकर के अपनी कविता पढ़ते हैं उनके लिए है। चलिए हम आगे देखते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो एक तो एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे आमतौर पर लोग पढ़ते हैं और कैसे पढ़ा जाए। तो हम उस दौरान ही सीखेंगे कि आवाज यानी मॉड्यूलेशन कैसी होनी चाहिए, पॉजेस कहाँ होना चाहिए। यह खास है कविता पढ़ने में, इसे हम देखेंगे गौर से एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए देखते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और यह कविता है बहुत कॉमन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी कविता है। और इसे अगर स्कूल में पढ़ने को कहा जाए तो लोग किस प्रकार पढ़ते हैं, देखिए। Whose woods are these? I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब इस तरह से अगर पढ़ा जाए तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एक तो सिंग सॉन्ग वॉइस, गाने की आवाज, दूसरी है ना आवाज में कोई उतार चढ़ाव है ना कुछ, तो बहुत बोरिंग हो सकता है। यानी शब्दों का अर्थ और कवि का कविता का अर्थ भी सामने प्रकट नहीं होता है, तो इस प्रकार अगर पढ़ें तो बहुत ही बोरिंग लग सकता है। लेकिन अधिकांशतः इस प्रकार पढ़ते हैं। थोड़ा सा बेहतर पढ़ें तो कैसा रहेगा और उससे बेहतर पढ़ें तो कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Yeah, और बेहतर हुआ क्योंकि आवाज में थोड़ी एनर्जी है, फिर भी कहीं ना कहीं सिंग सॉन्ग वॉइस है और सही जगह पर पॉजेस नहीं है, शब्दों का अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इसे हम कोशिश करते हैं कैसे सही ढंग से पढ़ने पर क्या होगा, और कैसे आप देखिएगा कि किन शब्दों के बाद पॉजेस आते हैं, किन शब्दों का उतार चढ़ा होता है, या ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो हम यहां क्या सीखते हैं, अगर यह है whose woods these are, I think I know. तो whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. क्या मीनिंग निकल करके आता है, उस मीनिंग के अनुसार पॉज करते हैं, मीनिंग के अनुसार पॉज करते हैं और फिर शब्दों के अनुसार पॉज करते हैं। यहां देखिएगा, He will not see me stopping here. See me के बाद पॉज आए, stopping here एक साथ हुआ। To watch his woods fill up with snow. Fill up with snow एक है इसलिए एक साथ कहा गया है। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए ध्यान से, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो ये जो डार्क शब्द है, तो डार्क शब्द का मीनिंग निकल चाहिए, डार्क एंड डीप,
डीप का मीनिंग आना चाहिए कि काफी डीप वुड्स है, इसलिए वुड्स यानी फॉरेस्ट. ओके, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. प्रोमिसेस पर जोर है, इसलिए प्रोमिसेस टू कीप. जब आप कविता पढ़ रहे हो तो किस किन शब्दों का क्या क्या एम्फेसिस है, क्या जोर है, इस पर ध्यान देना होगा. यह आपकी समझ के अनुसार है, हो सकता है किसी और का समझ किसी और प्रकार से हो. कविता कवि जो लिखते हैं और कविता जो पढ़ते हैं, उन दोनों में अंतर हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा संभव है. फिर भी शब्दों का अर्थ क्या हो या कविता पढ़ते समय, इस पर ध्यान देना होगा. ओके, एंड यहां देखिए, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तो दोनों वाक्य सेम है. जब दोनों वाक्य सेम है तो किस प्रकार पढ़ा जाए और कैसे डिफरेंस लाया जाए दोनों में, यह आप ध्यान में ला सकते हैं. अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अलग अलग शब्दों पर अगर आप पॉज करें तो क्या क्या मीनिंग निकल करके आएगा. देखिए, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स पर जोर दीजिएगा तो क्या मीनिंग निकल करके आएगा. या देखिए, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अब बिफोर पर आप जोर दिए तो क्या मीनिंग निकल करके आया, यह देखने का है. तब इसका अर्थ यह हुआ कि किस शब्द के बाद आप पॉज देते हैं, किस शब्द को ऊंचा ले जाते हैं, किस शब्द को नीचे ले जाते हैं, यह आपके ऊपर है. आप कविता को कैसे समझते हैं और कैसे उसे प्रकट या प्रस्तुत करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है. ओके, और जब कहूं कि आपके ऊपर है तो अर्थ निकल करके आना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनर्थ निकल जाए. तो यह ध्यान में देने यह ध्यान देने लायक है. ओके, यह तो भी जब आप इंग्लिश में कविता पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ेंगे. ओके, अगर यही अगर हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं कविता, तो कैसे पढ़ें. जब हम कविता पढ़ते हैं या कहीं एलोक्यूशन कंपटीशन होता है तो हम साथ में हमारा पेपर नहीं होता है. यहां पर हम मैं देख करके पढ़ रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है. जब आप देख करके नहीं पढ़ते हैं और यानी मेमोराइज करके आप जब रिसाइट करते हैं कविता, जब कविता सुनाते हैं रिसाइट करते हैं, तो और भी आप उस पर कमांड ला सकते हैं और भी उस पर आपका वर्चस्व होगा. अब हम कविता देखते हैं, निराला जी की एक कविता है भिक्षुक, इसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं यह कैसे पढ़ते हैं लोग और कैसे पढ़ा जा सकता है. ये देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों है मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता. ऐसे पढ़ सकते हैं, गाने जैसा लगेगा आपको. और आप किसी भी शब्द पर आपने ठीक समय पर उसे पॉज नहीं किया, आप रुके नहीं, कोई उतार चढ़ाव पढ़ने में नहीं है, तो अब देखते हैं अब कैसे इसे पढ़ा जा सकता है, उतार चढ़ाव के साथ कैसे पढ़ा जा सकता है, किन शब्दों पर पॉज हो रहा है देखिएगा. थोड़ी सी बताऊंगा, बाकी आपको खुद समझना पड़ेगा. वह आता दो टूक कलेजे के करता, तो वह आता कौन, भिक्षुक आता, इसलिए वह आता पॉज है. दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों है मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक. अब यहां पर अब देखिए, लकुटिया टेक, टक 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 लकुटिया टेक करके आता है, वह भिक्षुक है, तो कैसी इसकी फीलिंग होनी चाहिए. इसलिए मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, या इसे इस तरह से पढ़ाया जाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, या इस तरह से पढ़ा, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, तो दाहिने हाथ को बढ़ाए, यह अर्थ सामने में आना चाहिए. तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, यह समझ करके सही जगह पर पॉज देके, आप जैसा पॉज चाहते हैं उसके अनुसार पॉज दे करके
बढ़ना चाहिए और उसकी मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, यानी आप कहां उतार चढ़ाव करते हैं, किन शब्दों को उतारते हैं, किन शब्दों को आप बढ़ाते हैं, इसके ऊपर है। और अलग अलग कविता में इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा, तो उस कविता में, उस लाइन में उसका अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, इस पर सोचना होगा, सोच करके आप पढ़ सकते हैं। आप दूसरे प्रकार के इसे प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं, थोड़ी ऊंची आवाज में भी थी आप कह सकते हैं, और देखिए क्या होगा। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों है मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिठाने को, मुंह फटी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने दया दृष्टि पाने को पढ़ाए। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, निर्भर करता है आप कविता को किस अर्थ में लेते हैं और कैसे पेश करते हैं। ऑडियंस दोनों को समझती है, दोनों को सुनती है, आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार उस कविता को लेते हैं और किस प्रकार अर्थों को लेते हैं। तो दोस्तों इस बात पर ध्यान देना है कि कविता पढ़ते समय कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं, यानी पॉजेस नहीं लेते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन रखते नहीं हैं, कविता को अच्छी तरह समझते नहीं या अपने प्रकार से समझते नहीं हैं और किसी और के कहने पर समझते हैं, तो पढ़ते समय या कविता रिसाइट करते समय, उसे बोलते समय क्या गलतियां हो सकती हैं, इस पर ध्यान यहाँ पर दिया गया है, और कैसे पढ़ी जा सकती है कविता, इस पर भी ध्यान दिया गया है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और इससे आप भी सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।